A very good morning, dear students. From today onwards, we will start our revision work. So, for half yearly exams, we have completed 4 chapters. Okay, so from today onwards, we will start our revision. So, first of all, you have to write revision work like this. आपको अपने पेज फोल्ड करना है, ओके? और यहाँ पे आप लिखेंगे रिविजन वर्क, ओके? आफ्टर दैट राइट डाउन टुडेज डेट. राइट रिविजन वर्क, फिल इन दी ब्लैंक्स. ओके, सो आज हम रिवाइज करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स. ओके, सो दिस फिल इन द ब्लैंक्स आर ऑफ अवर टू चैप्टर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स. ओके, सो फर्स्ट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज इज नोन एज अ प्रोग्राम. सो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रोग्राम कहते हैं. एंड द स्पेलिंग ऑफ प्रोग्राम इज पी आर ओ जी आर ए एम, प्रोग्राम, प्रोग्राम. ओके, नाउ सेकेंड इज वेब कैम हेल्प्स टू पुट योर इमेज इन टू द कंप्यूटर व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. सो वेब कैम हमें हेल्प करता है किसमें, हमारी इमेज को कंप्यूटर में डालने में. ठीक है, जब हम किसके साथ कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं. ओके, सो जब भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं, वेब कैम. ओके, तो हमारा इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्टेड होते हैं और इंटरनेट के थ्रू ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं. और हमारे उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, वेब कैम प्रेजेंट होना चाहिए. ओके, एंड द स्पेलिंग ऑफ वेब कैम इज डब्ल्यू ई बी सी ए एम, वेब कैम. ओके, नाउ द थर्ड वन इज जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. सो कंप्यूटर में जब हम गेम्स प्ले करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, जॉयस्टिक. ओके, एंड जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. जॉयस्टिक क्या है, हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है. ओके, एंड द स्पेलिंग ऑफ जॉयस्टिक इज जे ओ वाई एस टी आई सी के, जॉयस्टिक. नाउ द फोर्थ वन इज द सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स व्हेन दे आर नॉट बीइंग प्रोसेस्ड. सो हमारे टू टाइप्स के स्टोरेजेस होते हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. ओके, सो सेकेंडरी स्टोरेज तब यूज किए जाते हैं, इज यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स. किस लिए यूज किए जाते हैं, डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए, जिस टाइम हम उन्हें यूज नहीं कर रहे होते हैं. ओके, और प्राइमरी स्टोरेज में हमारे जो भी डेटा या प्रोग्राम्स हमें यूज करने होते हैं, सो हम किससे यूज करते हैं, प्राइमरी स्टोरेज से यूज करते हैं. ओके, और सेकेंडरी स्टोरेज में हम उसे परमानेंटली स्टोर कर देते हैं अपने डेटा और प्रोग्राम्स को. ओके, एंड द स्पेलिंग ऑफ सेकेंडरी इज एस ई सी ओ एन डी ए आर वाई, सेकेंडरी. ओके, फिफ्थ वन द इमेजेस दैट वी सी ऑन द मॉनिटर आर मेड अप ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स. सो हम मॉनिटर में जो भी इमेजेस देख रहे हैं, ओके, और अपने मोबाइल फोन्स में भी जो भी इमेज देख रहे हैं, वो किससे बने होते हैं, टाइनी डॉट से बने होते हैं. ओके, हमारी जो इमेजेस होते हैं वो किससे बने होते हैं, टाइनी डॉट से बने होते हैं, और इन टाइनी डॉट्स को हम कहते हैं पिक्सल्स. ओके, एंड द स्पेलिंग ऑफ पिक्सल इज पी आई एक्स ई एल एस, पिक्सल्स. ओके, नाउ द सिक्स्थ वन इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर. सो कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब क्या है, कि जिसके थ्रू हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं कंप्यूटर में. ओके, किसके थ्रू हम अपने डेटा और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसमिट करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू. ओके, एंड द स्पेलिंग ऑफ डेटा इज डी ए टी ए, डेटा. इंस्ट्रक्शंस आई एन एस टी आर यू सी टी आई ओ एन एस, इंस्ट्रक्शंस. Now seventh one is the process of writing a program is called programming and the people who write these programs are called programmers. So जब हम program लिखते हैं, ठीक है, उस process को कहते हैं, writing process जो होती है हमारे program लिखने की, उसे कहते हैं हम programming.
Okay, and the spelling of programming is programming, programming. और जो पीपल इन प्रोग्राम्स को लिखते हैं, राइट करते हैं, उन पीपल्स को हम कहते हैं प्रोग्रामर्स, programmers, प्रोग्रामर्स. ओके, तो जो भी इन प्रोग्राम्स को राइट करते हैं उन लोगों को हम कहते हैं प्रोग्रामर्स. एट वन, मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर. सो कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज. और मशीन लैंग्वेज किसके फॉर्म में होती है, हमारी बाइनरी के फॉर्म में होती है, दैट इज जीरो एंड वन. ओके, एंड द स्पेलिंग ऑफ मशीन इज machine. मशीन. ओके, नाउ द नाइंथ वन इज एन assembler इज अ प्रोग्राम यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज. सो हमारी एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज. इस असेंबली लैंग्वेज में हम कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं. ओके, सो असेंबली लैंग्वेज हमारी मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे कंप्यूटर जो होते हैं वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है. ओके, सो हमारे जो प्रोग्राम्स असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते हैं वो कैसे वो अंडरस्टैंड कर सकती है. इसलिए हम किसका यूज करते हैं, असेंबलर का यूज करते हैं. और असेंबलर इज अ प्रोग्राम. असेंबलर क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम अपनी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में. ओके, सो जिससे हमारा कंप्यूटर इजीली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके. ओके, एंड द स्पेलिंग ऑफ असेंबलर इज assembler. असेंबलर. ओके, नाउ द लास्ट वन इज अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. सो हमारी जो नेक्स्ट लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में भी हम कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं. सो जिसे हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है, दैट इज कंपाइलर. ओके, एंड द स्पेलिंग ऑफ कंपाइलर इज compiler. कंपाइलर. सो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू डू दीज 10 फिलअप्स इन योर नोटबुक एंड लर्न इट बाय हार्ट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.